आज शिक्षा सागर फाउंडेशन ऑर्गेनाइज हेमचंद्र नेशनल टीचर अवार्ड आज कुणगेर, वैसे वो माताजी का धाम है, वहीं कार्यक्रम का शैलेश भाई की टीम की ओर से एक कार्यक्रम का अवार्डी फंक्शन का कार्यक्रम का एक सुंदर आयोजन किया हुआ था। यहाँ पूरे भारत में से, अलग अलग राज्यों में से बहुत सारे इनोवेटिव टीचर यूँ आए हुए थे और उसका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा सा आयोजन किया हुआ था। जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया हुआ था, मेरे साथ शैलेश भाई आज मेरे साथ आज है, मौजूद हाजिर है। मैं शैलेश भाई को ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक शैक्षणिक समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, वो दूर दूर इंटीरियर एरिया में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन टीचर्स का एक्टिविटी समाज के सामने लाना है और उनका सम्मान करना है, उनको आगे ले जाना है और उनकी स्कूल को भी आगे ले जाना है। शैलेश भाई ने बताया कि आज जो गवर्नमेंट के टीचर हैं बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं, उनको उनके काम से अच्छा शैक्षणिक काम भी कर रहे हैं, वो सभी यहाँ टीचर जो आए हुए हैं उनको मोटिवेशन मिले, इसी तरह का ये अवार्डी फंक्शन का कार्यक्रम किया हुआ था। मेरे साथ से ये दूर दूर से कहीं कहीं राज्यों में से आए हुए यहाँ टीचर है मेरे साथ। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? सर मैं मोहन लाल सुमन और मैं झांसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। क्या बात है सर, आप सभी ने झांसी का नाम सुना होगा, जहाँ की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और मैं सर के लिए अपने हाथों से बनाकर के एक पेंटिंग भी उनके लिए लाया। क्या बात है सर। सर आदरणीय शैलेश सर ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया और इसके पहले भी ऊर्जा में और कई जगह किया है, तो मैंने प्रयास किया एक उनके लिए यादगार बने, उनकी पेंटिंग उनको। सर ने बहुत अच्छा होता, झांसी से आए हुए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, इतनी बड़ी लंबी सफ़र करके यहाँ पर आए हो, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ ये सर, आपका नाम क्या है सर? नमस्कार, मैं लिंगमा शेरपा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हूँ। यस यस, मेरा स्टेट का नाम। क्या बात है सर। तो मैं 2021 का राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा। आपको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, बहुत बहुत बधाई। आज शैलेश जी ने मुझे यहाँ सम्मान दिया और जो नवचारी शिक्षा से मिलने का मौका लिया, ये सब के लिए मैं शैलेश जी को धन्यवाद। क्या बात है सर, आपकी भाषा में बोलो ना थोड़ा, यहाँ की भाषा आप क्या, कौन सी भाषा बोलते हो? मेरा खुद का तो शेरपा है लेकिन नेपाली वहाँ पे चलता है। लेकिन आप वही भाषा में आप शुभ संदेश दे दो। तो नेपाली में ना मलाई यहाँ गुजरात में आएर जुन सम्मान शैलेश सरले दिनुभयो र यहाँको नौचारी शिक्षकहरूसँग भेट्नु पाएकोमा म अति नै खुसी छु र शैलेश जीको साथमा जति पनि यो सेवा फाउंडेशन छ उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। ओके ओके, बहुत अच्छा सा बोला सर। मेरे साथ ये मैडम भी खड़े हुए हैं, मैडम आप कहाँ से आए हो? दीदी और मुझे अच्छे शिक्षकों को जोड़ने का और उन्हें सम्मानित कराने का बहुत शौक है, तो आज इसीलिए मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ कि अच्छे अच्छे शिक्षकों को मैंने जोड़ा और पूरे राज्य के, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के और पूरे भारत के शिक्षकों को मैंने जोड़ा है। 26 राज्य के शिक्षक उनके शिक्षक मिले हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके साथ हमारे उत्तर प्रदेश મારી સાથે અહીંયા અનિલભાઈ, કે જે કાર્યક્રમનું એવું કહેવાય છે કે જેમને જે એવોર્ડી ટીચરો જે હતા એનું જે આયોજન છે, એમનું જે લિસ્ટ બનાવવાનું છે, જે એમના મેડલ બનાવવાના છે, આખા કાર્યક્રમનું જે હાર્ડ કહેવાય કે જે હૃદય કહેવાય, એવા મારી સાથે અનિલભાઈ છે. અનિલભાઈ, આજના તબક્કે કાર્યક્રમ વિશે શું કહેવા માગો છો? નમસ્કાર, હું અનિલકુમાર મોહડલ, સંબોધક શિક્ષા સાગર ફાઉન્ડેશન મેમ્બર એન્ડ ગુજરાત સ્ટેટ મોટિવેટર. આજના આ પ્રસંગે બે શબ્દો કહેવા માગીશ કે શૈલેષભાઈ પ્રજાપતિએ જે આખા ભારતને એક મંચ પર લાવ્યું છે, જાણે લાગે કે કંઈક પેલી માળાને મૂર્તિમાં મેળવી નાખ્યું, આખી માળા પટાવી આજે ભેગો કર્યો હતો અને ખરેખર બહુ સુંદર લાગ્યું. અને ખાસ જે ઇનોવેટિવ ટીચરો આવેલા છે એમને ખાલી બે શબ્દો એ કહેવા માગીશ કે તમને જે એવોર્ડ મળ્યો છે ને એની ગરિમા સચવાય ને, એ સાચવજો અને એ રીતે વર્ક કરજો, કારણ કે એવોર્ડને જઈને ત્યાં મૂકી દેવાનો નથી, પણ એવોર્ડની ગરિમા સચવ, આનાથી બી બેસ્ટથી બેટર થાય એવું વર્ક કરજો. વચ્ચે શુભેચ્છા. ઓકે, બહુ અનિલભાઈ બહુ સરસ મજાની વાત કરી કે જે તમે એવોર્ડ તમને જે મળ્યો છે
એ એવોર્ડની ગરિમા સચવાય એવી એમને બહુ સરસ મજાની વાત કરી. હું પણ એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું કે આપને જે એવોર્ડ કંઈ મળ્યો છે એ એવોર્ડની ખૂબ ગરિમા જચવાય અને એની સાથે આપ બાળકો સાથે ખૂબ જ સુંદર મજાનું કામ કરો એવી હું પણ તમને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. મારી સાથે અહીંયા જે પુસ્તકો લાખો પુસ્તકો જે દાનમાં કર્યા છે એવા મારી સાથે અહીંયા કલ્યાણસિંહભાઈ છે. કલ્યાણસિંહભાઈ આજે શું કહેવા માગો છો, આપે શું સંદેશો પાઠવવા માગો છો? હું મહીસાગર જિલ્લાનો વતેજો કડાણા તાલુકો જજાલિયા ગામ. હું એવું કામ કર્યું કે સંપૂર્ણ ગુજરાત વાંચે ગુજરાત માં સરસ્વતીના પુત્રોને તૈયાર કરવા માટેનું અતિ પ્રચાર થતી અને ત્યાં જવાની અંદર વાંચાને વંચાવવા માટેનું કાર્ય કરવા માટે અત્યારે ટીવી અને મોબાઈલના જમાના વધી ગયેલા લોકોએ વાંચવાનું બંધ કરી દીધું એને ઉજાગર કરવાનો કામ